इस सिद्धाश्रम में जा सकता है, वहां रह सकता है, वहां का आनंद ले सकता है, और क्या वह वापस इस जीवन में, इस संसार में, इस समाज में आ सकता है? इसका उत्तर स्वीकृति में है। कोई भी व्यक्ति या स्त्री, कोई भी साधक या साधिका निश्चय ही सिद्धाश्रम में जा सकते हैं। वहां जितना समय चाहे रह सकते हैं। सिद्ध योगा झील में स्नान कर रोग रहित और मृत्यु रहित बन सकते हैं। और जब वे चाहें वापस इस देश में, इस संसार में, इस समाज में आ सकते हैं, इसी शरीर से। इसके लिए शरीर बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि यह केवल एक कल्पना है या अनुभूति है। ऐसा भी नहीं है कि किसी सूक्ष्म शरीर या प्राण को ही वहां भेजा जा सकता है और यह शरीर यहीं बना रहे। ऐसा नहीं। जो हमारा शरीर है, जितना हमारा आकार प्रकार है, इस पूरे शरीर को हम सिद्धाश्रम में ले जा सकते हैं। या दूसरे शब्दों में, हम चलकर, गतिशील होकर सिद्धाश्रम में पहुंच सकते हैं। जो हमारा शरीर है, जो हमारे हाथ पैर हैं, जो हमारी चेतना है, जो हमारा मस्तिष्क है, उसके माध्यम से उस सिद्धाश्रम को परखा जा सकता है, देखा जा सकता है, आनंद लिया जा सकता है और वहां की विशेषताओं को अपने आप में समेटा जा सकता है। हाँ, इसके माध्यम से जीवन को रोग रहित बनाया जा सकता है। इसके माध्यम से जीवन में मृत्यु के भय को समाप्त किया जा सकता है। इसके माध्यम से जीवन की चेतना को पूर्णता दिया जा सकता है, मस्तिष्क का विकास किया जा सकता है और भौतिक दृष्टि से वह सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है जो मानव की इच्छा रही हो। अपनी आंखों से उन योगियों और सन्यासियों को देख सकता है जो सैकड़ों हजारों वर्षों की आयु प्राप्त हैं। उनके साथ बैठ सकता है, उनकी सेवा कर सकता है, उन्हें स्पर्श कर सकता है, उनके प्रवचन सुन सकता है, उनके द्वारा बताई हुई विधि से साधना संपन्न कर सकता है, यज्ञों में भाग ले सकता है, देवताओं के दर्शन कर सकता है और अप्सराओं के नृत्य और सुंदरियों के हाव भाव को अनुभव कर सकता है, पहचान सकता है, देख सकता है, अनुभव कर सकता है। और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि जीवन की पूर्णता तो तभी है कि जब हम सिद्धाश्रम में उन योगियों और सन्यासियों के दर्शन करें जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों में, पुराणों में आया है। हम कृष्ण के साक्षात विग्रह को देखें, उनको पहचाने, भीष्म के पास रहें, कृपाचार्य का अनुभव करें, राम और बुद्ध को देख सकें, अनुभव कर सकें, शंकराचार्य के पास बैठकर सन्यास की और साधना की बारीकियों को परख सकें और परम पूज्य गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी के दर्शन कर जीवन को धन्य कर सकें, जीवन को पूर्णता दे सकें, जीवन में
आनंद की वृष्टि कर सके। यह सब कुछ संभव है और ऐसा कई सामान्य मनुष्यों ने किया है जो आपके और हमारे बीच के हैं, जिनकी उपस्थिति आपके और मेरे बीच में रही है, जो इसी समाज के व्यक्ति हैं, जो आपकी तरह हाड़ मांस से निर्मित हैं, वे सिद्धाश्रम में गए हैं, इन सब का अनुभव किया है, कुछ समय तक वहां रहे हैं, सिद्ध योगा झील में स्नान कर अपने जीवन को पूर्णता देने में समर्थ हो सके हैं और योगियों के दर्शन कर अपने जीवन को कृतार्थ बना सके हैं और वापस इसी देह से इस समाज में आ सके हैं। यदि वे ऐसा कर सकते हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आवश्यकता है दृढ़ निश्चय की, आवश्यकता है संकल्प शक्ति की, आवश्यकता है चिंतन और विचार की, आवश्यकता है विश्वास और श्रद्धा की। प्रश्न यह उठता है कि किन विधियों से या किन तरीकों से सिद्धाश्रम में प्रवेश किया जा सकता है। यह कार्य कोई बहुत कठिन और असंभव नहीं है, अत्यंत सहज और सरल है। इसके दो प्रकार हैं। एक प्रकार तो साधना के माध्यम से है, जब साधक सिद्धाश्रम दीक्षा प्राप्त करे गुरु से और उस पूरे शरीर में सिद्धाश्रम दीक्षा का संचरण करे। ये दीक्षा अपने आप में सामान्य और सरल नहीं होती, यह तो जब आपके मन में हिलोर उठे, जब आप गुरुदेव से प्रार्थना करें, उनके पास उपस्थित हों और उनकी कृपा से ऐसी दीक्षा प्राप्त हो जिससे कि यह सारा शरीर सिद्धाश्रम में जाने के योग्य बन सके। जब ऐसी दीक्षा संपन्न हो जाए तब गुरुदेव के बताए हुए तरीके से साधना विधि से उस स्थिति को प्राप्त करें जिसके माध्यम से सशरीर सिद्धाश्रम में पहुंचा जा सके। पर यह कोई कठिन कार्य नहीं है, थोड़ा परिश्रम थोड़ा प्रयत्न तो करना ही पड़ता है और केवल इतना ही करना है कि जब सिद्धाश्रम दीक्षा संपन्न हो जाए तो 10 महाविद्याओं से 3 महाविद्याएं संपन्न कर ले गुरुदेव के द्वारा बताई हुई विधि से, उन महाविद्याओं को अपने सामने प्रत्यक्ष कर सके। प्रत्येक महाविद्या को सिद्ध करने का एक तरीका है जिसके द्वारा साधना विधि मंत्र जप संपन्न करने से महाविद्याएं सिद्ध होती ही हैं और वे महाविद्याएं चाहे वह बगलामुखी हो, चाहे कमला हो, चाहे चिन्मस्ता हो, धूमावती हो या काली हो, वह सामने प्रत्यक्ष होती ही है। जब 3 महाविद्याएं सिद्ध हो जाती हैं तब सिद्धाश्रम साधना संपन्न करें और फिर
सशरीर सिद्धाश्रम में प्रवेश करे, फिर कोई रोक टोक नहीं है, फिर किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है, फिर उसमें वह क्षमता प्राप्त हो जाती है जिसके माध्यम से वह स्वयं अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से सशरीर सिद्धाश्रम में जाए, वहां विचरण करे, जब तक इच्छा हो तब तक वहां रहे और पुनः इच्छा होने पर इस समाज में आ जाए। यह तो एक प्रकार हुआ। एक दूसरा प्रकार भी है जिसके माध्यम से सिद्धाश्रम में प्रवेश पाया जा सकता है, वह है सिद्धाश्रम साधना। पहले साधक गुरुदेव से सिद्धाश्रम दीक्षा प्राप्त करे और अपने सारे शरीर में सिद्धाश्रम स्थापना करे, चेतना युक्त बनाए, ऊर्जा युक्त बनाए, और यह सिद्धाश्रम दीक्षा के द्वारा संभव है। इसके बाद गुरुदेव की बताई हुई विधि से सिद्धाश्रम साधना को पूर्ण मनोयोग पूर्वक संपन्न करें, जिसमें सिद्धाश्रम यंत्र, सिद्धाश्रम प्राणचेतना प्रयोग, सिद्धाश्रम ऊर्जा प्रयोग, प्राणवायु प्रयोग, प्राणचेतना प्रयोग संपन्न करें। इससे सारा शरीर अपने आप में दिव्य और चैतन्य बन जाता है, अपने आप में ही ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है जिसके माध्यम से साधक सिद्धाश्रम में प्रवेश पा सके। मात्र 11 लाख मंत्र जप के द्वारा इस प्रकार की अलौकिक सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, जिससे पवन वेग के द्वारा पूरे शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके, सिद्धाश्रम में प्रवेश कर सके, वहां रह सके और पुनः सिद्धाश्रम से इस समाज में आ सके, क्रियाकलाप संपन्न कर सके, वहां की अनुभूतियों को, वहां के अलौकिक आनंद को अनुभव कर सके, देख सके, समझ सके। यह तरीका भी अपने आप में सरल और शास्त्रोचित है, जिसे संपन्न कर कई साधकों ने इस क्रिया को संपन्न किया है, जिसके माध्यम से वे सिद्धाश्रम में जा सके हैं, वहां का आनंद ले सके हैं। आवश्यकता है दृढ़ निश्चय की, आवश्यकता है इस चिंतन की कि मुझे हर हालत में, हर स्थिति में गुरुदेव की सामीप्यता प्राप्त करनी ही है, उनसे सिद्धाश्रम दीक्षा लेनी ही है, उनसे सिद्धाश्रम साधना प्राप्त करनी ही है, और इस साधना को पूर्णता के साथ संपन्न करनी ही है। जब साधक ऐसा निश्चय कर लेता है तो फिर उसके मार्ग में किसी प्रकार की कोई रुकावट या बाधा व्याप्त नहीं होती, फिर किसी प्रकार की कोई अड़चन आती ही नहीं, फिर तो उसका मार्ग अपने आप में ही प्रशस्त और सरल हो जाता है, क्योंकि गुरुदेव की उपस्थिति तो प्रत्येक क्षण उसके साथ रहती ही है, क्योंकि वह गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त होता है। और तीसरा एक और प्रकार है, एक और तरीका है जिसके माध्यम से भी सिद्धाश्रम में प्रवेश पाया जा सकता है, यह है गुरु के साथ सिद्धाश्रम में प्रवेश करने की स्थिति। पर इसके लिए जरूरी है कि